हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ये छोटा सा वीडियो केवल आप लोगों के लिए संदेश के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कल 22 मार्च को पूरा जनता कर्फ्यू का साथ दें। आप लोगों को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरा एग्जाम टल ही गया है। तो आप लोग घर में बैठकर पढ़ाई करें, घर से बाहर ना निकलें। कल सुबह से शाम तक बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि केंद्र सरकार और मोदी जी खुद अभिभाषण में बोले हैं कि सब लोग जनता कर्फ्यू का साथ दें। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग इसका पालन करेंगे। जिनको न्यूज नहीं पता है उनको भी बताएं, आपके आसपास के लोगों को जागरूक करें, कम से कम 10 लोगों को फिर भी बताएं, जिससे लोग जागरूक हों और कोरोना वायरस को जो है रोका जा सके। ये कैसे फैलता है, तो संक्रमित है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर ट्रांसफर होता है। तो जब मिलन कम होगी, सोशल जो कहा जाता है कि एक दूसरे से ज्यादा लोग मिलते हैं, यदि कम होगी मिलन, तो इसको रोका जा सकता है। इसलिए आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग इसका पालन करेंगे और कल घर से ना तो बाहर निकलेंगे और ना घर के किसी भी सदस्य को बाहर निकलने देना है, ताकि कोरोना वायरस के प्रकोप को कम किया जा सके, फैलने से रोका जा सके। तो चलते हैं स्टूडेंट, छोटा सा टॉपिक है, सबको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और इसे रोका जा सके।